So yesterday we had done this question from Erodo, where we had to find out the एम्पलीट्यूड एंड फाई, ए और फाई निकालना था दो केसेस में. एक केस में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डॉट नॉट थी, और एक केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट था. ठीक है, तो उसमें रिजल्ट्स क्या आए थे मेरे, तो जब मैंने इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो दी थी तो मेरा एम्पलीट्यूड एक्स डॉट बाय ओमेगा आया था हमारा, है ना, एम्पलीट्यूड. और जब मेरा वेलोसिटी जीरो था और डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो था तब मेरा एम्पलीट्यूड आया था एक्स नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बीटा बाय ओमेगा स्क्वायर. ये कल के लेक्चर में लास्ट प्रॉब्लम हमने ये डिस्कस की थी. ठीक है, तो ये क्यों रिकैप कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट जो है अगली प्रॉब्लम में मेरे को यूज करने पड़ेंगे, ये दोनों केसेस में. एक बार एक्स नॉट नॉन जीरो वेलोसिटी जीरो, और एक बार में वेलोसिटी नॉन जीरो एंड एक्स नॉट जीरो. ठीक है, तो क्या है अगला क्वेश्चन, तो ये ध्यान से देखते हैं क्या है क्वेश्चन. अ पॉइंट परफॉर्म्स डैम्ड ऑसिलेशंस विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 25 पर सेकेंड. अभी एक्चुअली इरोडो जो है कई बार ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में डिस्टिंग्विश नहीं करता है. एक्चुअली व्हेन ही इज सेइंग 25 पर सेकेंड, एक्चुअली ही मींस 25 रेडियंस पर सेकेंड एक्चुअली. तो ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इरोडो के क्वेश्चंस करते हुए, कई बार रेडियंस पर सेकेंड को खाली पर सेकेंड लिख देता है. ऑफकोर्स वॉट में तो क्लियरली मेंशन आना चाहिए रेडियंस पर सेकेंड है या पर सेकेंड है, क्योंकि पर सेकेंड जनरली मतलब हर्ट्ज होता है. ठीक है, तो वो इरोडो कई बार ऐसे कर देता है, ओमेगा ओमेगा सिंबल यूज कर रहा है, मतलब वो रेडियंस पर सेकेंड देना चाह रहा है एक्चुअली. ठीक है, फाइंड द डैम्पिंग कोएफिशिएंट बीटा इफ एट द इनिशियल मोमेंट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो वाला केस है, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज ईटा इज इक्वल टू 1.02 टाइम्स लेस देन द एम्पलीट्यूड एट दैट मोमेंट. हाँ, तो एक्स नॉट की वैल्यू 1.02 टाइम्स कम है किससे, एम्पलीट्यूड से. हमने देखा था ना एम्पलीट्यूड और एक्स नॉट बराबर नहीं होते, इनफैक्ट एम्पलीट्यूड बड़ा आया था. कौन सा केस, ये देखो एम्पलीट्यूड क्या था, एक्स नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बीटा बाय ओमेगा स्क्वायर, ये कल हमने प्रूव किया था. ठीक है, तो बस हमें क्या दे रखा है, अभी मुझे एक्स नॉट और ए नॉट का रेशियो दे रखा है और ईटा पे कमेंट करना है. ठीक है, ईटा मेरे को इनफैक्ट बीटा पे कमेंट करना है, तो बीटा मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो उसी प्रॉब्लम का रिजल्ट अगर हम देखें तो ए नॉट मेरा क्या आया था कल देखा था, एक्स नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बीटा बाय ओमेगा स्क्वायर. तो इसी में मैं क्या करता हूँ, बीटा को मैं सब्जेक्ट बना के बाकी सबको प्रेडिकेट कर देता हूँ. ठीक है, तो यही बनेगा, इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को बीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना मेरा. और ए नॉट बाई एक्स नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, इसको ईटा दे रखा है, ए नॉट बाई एक्स नॉट 1.02 दे रखा है बस. तो बस पुट कर देंगे तो ये ईटा स्क्वायर माइनस वन आ गया, यही मेरा आंसर आ गया. अब ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 25 रेडियंस पर सेकेंड, तो मैं ये बोला ओमेगा शुड बी कन्वर्टेड टू रेडियंस पर सेकेंड वॉट के लिए लिखा है, वॉट में अगर हर्ट्ज में दिया है तो उसको रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इरुडो ऑलरेडी ये मीन कर रहा है, जहां तक मुझे समझ में आता है ये रेडियंस पर सेकेंड को ही पर सेकेंड लिखा हुआ. एक्चुअली रेडियन जो होती है हमारी डायमेंशनलेस यूनिट होती है, रेडियन जो होती है लेंथ का रेशियो होता है ना, रेडियस का और आर्क लेंथ का रेशियो होता है. ठीक है, तो समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन, क्लियर है सभी को. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इरुडो में. तो अगला क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट परफॉर्म्स डैम्ड ऑसिलेशंस विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड डैम्पिंग कोएफिशिएंट बीटा. कोई पार्टिकल है वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस कर रहा है, ओमेगा और बीटा हमको दिया हुआ है. ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ, पार्ट ए क्या है, इट्स डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए नॉट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और वेलोसिटी एम्पलीट्यूड हमको पूछा हुआ है, यानी ए नॉट ई टू द माइनस बीटा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का ऑसिलेशन कर रहा होगा, जिसमें से ए नॉट हमें दिया हुआ है और हमें वेलोसिटी एम्पलीट्यूड जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालना है. ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है ये, बहुत मतलब इतना मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट है, तो आई वॉन्ट योर फुल कॉन्सेंट्रेशन हेयर. तो क्या निकालना है, सबसे पहले केस में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ए नॉट के बराबर दिया हुआ, और दूसरा दूसरे केस में क्या दिया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो दिया हुआ और इनिशियल वेलोसिटी जो है एक्स डॉट नॉट दे रखी है. ठीक है, ठीक है, और फर्स्ट केस में खाली एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही दिया हुआ है. तो अभी क्या करेंगे, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड निकालना है, तो पोजीशन क्या होगी, देखो पोजीशन तो यही होता है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ए नॉट ई टू द माइनस बीटा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, यही होता है ना पोजीशन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट. ठीक है, तो अब क्या करोगे, वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस ए नॉट ई टू द माइनस बीटा टी और अंदर क्या आएगा, बीटा कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. ये आप बहुत बार कर चुके डिफरेंशिएशन, तो इसी फॉर्म का आता है, राइट, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा मेरे पास. ठीक है, अब क्या किया जाए, अब यहां पे देखो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए नॉट इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ दिस टर्म बीटा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा कॉस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. तो इन दोनों का हम फेजर एडिशन कर देंगे तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा, इज इट नॉट. यहाँ पे ये एक फेजर है जिसका एम्पलीट्यूड बीटा है और एंगल फाइव है, और ये एक फेजर है जिसका एम्पलीट्यूड ओमेगा है और फेज एंगल कितना है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय टू इज सेम एज साइन थीटा, राइट. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाय टू लिख सकता हूँ, सॉरी
साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव बाई टू लिख सकता हूँ, समझ गया कि नहीं। तो अब इन दोनों टर्म्स पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को एक सिंगल सिनुसॉइडल की तरह लिखना चाह रहा हूँ। ओके, तो क्या होगा, पहला टर्म जो है, पहले टर्म का एम्पलीट्यूड तो बीटा है और फेज एंगल फाई है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे फेजर डायग्राम बना लिया, पहले टर्म के लिए बीटा एम्पलीट्यूड का फेजर बना लिया फाई एंगल पे, समझ में आया, पहला टर्म। और दूसरा टर्म उसका एम्पलीट्यूड कितना है ओमेगा, और फेज एंगल कितना है मेरा माइनस पाई बाय टू, यहाँ पे देखो फाइव माइनस पाई बाय टू, एक्चुअली फाइव माइनस पाई बाय टू मतलब इसका तो प्लस फाइव था, इससे पाई बाय टू पीछे है दूसरा टर्म, इज इट नॉट, फाइव माइनस पाई बाय टू का यही मतलब हुआ ना। तो ये मेरा पहला टर्म था बीटा एम्पलीट्यूड का फाइव पे, और दूसरा मेरा टर्म है ओमेगा का उससे 90 डिग्री पीछे, उस वाले से 90 डिग्री पीछे है ना, तो यही होगा हमारा फेजर डायग्राम। तो इन दोनों टर्म्स का फेजर सम क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। और उसके अलावा कुछ फेज एंगल भी आएगा डेल्टा, जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चाहूँ तो मैं डेल्टा भी निकाल सकता हूँ, इनफैक्ट डेल्टा टैन ऑफ डेल्टा प्लस फाइव जो होगा वो ओमेगा ओमेगा अपॉन बीटा हो जाएगा, ठीक है, तो टैन इनवर्स में निकाल सकता हूँ डेल्टा, लेकिन जानने की जरूरत नहीं है, मुझे खाली इसके एम्पलीट्यूड में इंटरेस्ट है, राइट। तो इसका मतलब इस पूरे को मैं क्या लिख पाऊंगा, इसको किस फॉर्म में लिख पाऊंगा, इसको लिख सकता हूँ, इसको मान लो म्यू बोल देता हूँ इस लेंथ को, तो ये इसका मतलब क्या बन जाएगा, म्यू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा टाइप का, या कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस डेल्टा टाइप का कुछ बन जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या, इसका एम्पलीट्यूड कितना है म्यू, वेयर म्यू इज अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इसका एम्पलीट्यूड और इंटू ए नॉट कर दें और इंटू माई ई टू द पावर माइनस बीटा टी, तो वो मेरा टोटल एम्पलीट्यूड आ गया, समझ में आई बात की नहीं। तो वेलोसिटी को फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको फेजर सम करने के बाद माइनस ऑफ ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी, और इनका फेजर सम क्या हो गया, म्यू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब म्यू को बाहर निकाल लो, या फिर यहीं से दिख रहा है ए नॉट इंटू म्यू मेरा ये हो गया फिक्स टर्म, और इनटू ई टू द पावर माइनस बीटा टी, ये मेरा वेलोसिटी एम्पलीट्यूड आ गया, समझ में आया, ये सभी को क्लियर हुआ, एब्सोल्युटली क्लियर, कोई डिस्कशन पॉइंट तो नहीं है इसमें। हाँ, तो सेकेंड केस में देखो क्या था, मेरा इनिशियल वेलोसिटी एक्स डॉट नॉट दे रखी है, ठीक है, और एक्स जीरो जीरो दे रखा है, तो ये पिछले एग्जाम्पल में जो हमने किया था उसी टाइप का केस है ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड मेरा आया था एक्स डॉट बाई ओमेगा आया था, है ना, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड आया था ए नॉट मेरा एक्स डॉट बाई ओमेगा का मॉड आया था, याद है ना, लास्ट बट वन एग्जाम्पल जो कल का लास्ट एग्जाम्पल था उसमें इसका एम्पलीट्यूड एक्स डॉट बाई ओमेगा का मॉड आ गया था, ठीक है। तो एक्स तो वापस वही लिखूंगा ए नॉट इट और माइनस बीटा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट, वापस डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वही आएगा जैसे पार्ट ए में आया था, यही डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, और वापस अब देखो ये दो फेजर्स का सम वही सेम फेजर्स का सम आ रहा है, बीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव और ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सेम फेजर्स ही है ना यहाँ पे, तो इनको ऐड करोगे तो वापस यही फेजर सम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये म्यू इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस डेल्टा बन जाएगा, राइट, समझ में आई बात की नहीं। और म्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ए नॉट क्या है मेरा एक्स डॉट बाई ओमेगा का मॉड जैसे देखा था लास्ट बट वन एग्जाम्पल में, तो बस अब वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या लिखा था टर्म इन ब्रैकेट इज सेम टर्म दैट वी इवैल्यूएटेड यूजिंग फेजर एडिशन फॉर पार्ट ए, तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा एक्स डॉट बाई ओमेगा, ये तो ए नॉट आ गया, चाहो तो मॉड लगा लो अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड ई टू द पावर माइनस बीटा टी। अब इसमें क्या करो, इसमें ओमेगा को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर हुआ ये सभी को, समझ में आया, एनी डिस्कशन पॉइंट, समझ में आया ना, ठीक है आगे बढ़ सकते, ओके। हाँ वंस अगेन देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक इन दिस, आई शुड हैव रिटन हियर ई टू द पावर माइनस बीटा टी ऑल्सो, सो लेट मी जस्ट करेक्ट इट, ई टू द पावर माइनस बीटा टी, दिस इज योर आंसर, ओके, इन टू ई टू द पावर माइनस बीटा टी, करेक्ट कर सकते तुम लोग अपने नोट्स में। तो ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इरोडो में जहाँ पे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है और तुमको एक्सप्रेशंस को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा मैथमेटिकल अलजेब्रा जगलरी इस तरह की लगेगी, ठीक है, और वो हो सकता है थोड़ा टेढ़ा हो, बाकी फिजिक्स पार्ट तो सिंपल ही होगा। तो जैसे अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी एलिमिनेट ही करना है वेरिएबल को, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या, अ मैथमेटिकल पेंडुलम ऑसिलेट्स इन अ मीडियम फॉर विच लॉगरिथमिक डैम्पिंग डिक्रीमेंट इज लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1.5। याद है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है, बीटा इंटू टी, राइट, बीटा तो सबको मालूम है, टी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है, तो बीटा इंटू टी इज अवर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जो हमको दे रखा है क्या 1.5, ठीक है, लैम्डा नॉट, व्हाट विल बी द लॉगरिथमिक डैम्पिंग डिक्रीमेंट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस 2 टाइम्स, यानी सी मेरा डबल हो गया, यानी बीटा मेरा डबल हो गया कह सकते हो, बीटा अगर मेरा डबल हो गया तो अभी नया लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होगा ये हमें निकालना है, अगर एन टाइम्स मेरा बीटा इंक्रीज हो गया। और सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम हैज टू बी इंक्रीज फॉर ऑसिलेशंस टू बिकम इम्पॉसिबल, तो तुम लोगों को पता है ऑसिलेशन की जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई थी वो क्या आई थी, अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, याद है, ध्यान है, ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, अंडर रूट ऑफ
ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये कब तक डिफाइन रहेगा? जब तक बीटा ओमेगा नॉट से छोटा है। अगर बीटा मेरा ओमेगा नॉट से बड़ा हो गया तो फिर ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी डिफाइंड नहीं है। एक्चुअली जब बीटा ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा इसका मतलब क्या है, वो क्रिटिकल डैम्पिंग का केस हो जाता है, नॉन ऑसिलेटरी सोल्यूशन आने लगते हैं ना। और बीटा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो जाएगा तो फिर वो ओवर डैम्प सिस्टम जैसा हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? तो बी पार्ट में तो वही पूछा है कि रेजिस्टेंस कितना गुना कर दें कि ऑसिलेशन इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है। तो उसके पहले ए पार्ट में क्या है, हमको ये पूछा है कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का क्या होगा अगर मैंने बीटा को एन टाइम्स कर दिया। तो ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही हमें पता है लैम्डा क्या होता है, बीटा टाइम्स टी होता है ना। तो क्या हो जाएगा, अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है मेरा अंडर रूट ऑफ 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा नॉट स्क्वायर, राइट। बीटा नॉट मैंने इनिशियल बीटा को बोला, ओके। तो समझ में आ रहा है ना, टाइम पीरियड यही था, ध्यान है कल डराइव किया था हम लोगों ने, टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये टाइम पीरियड। तो बीटा नॉट इंटू टी, दिस थिंग इज योर लैम्डा नॉट, ओके ठीक है। अब क्या करोगे, जो नया लैम्डा होगा क्या होगा, बीटा को एन बीटा से रिप्लेस कर दोगे, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, एन बीटा नॉट आ जाएगा और 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस एन बीटा नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में से क्या करना है, तुम्हें नया लैम्डा निकालना पुराने लैम्डा के टर्म्स में और एन के टर्म्स में, क्योंकि यही दो चीजें दे रखी है, लैम्डा नॉट और एन दे रखा, बीटा तो दे ही नहीं रखा हमको, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों इक्वेशंस में तुम्हें बीटा नॉट एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आलस आ सकता है बट देखो तो बस वही है, अल्जेब्रा मैनिपुलेशन ही और कुछ नहीं है, इज इट नॉट। तो मैं तो हाथ से करता नहीं हूँ, मैं तो मैथमेटिका से करता, तुम लोगों को हाथ से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से बस बीटा नॉट को एलिमिनेट कर दो और लैम्डा सॉल्व करोगे तो इस तरह का आ जाएगा, बस एन लैम्डा नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर लैम्डा नॉट बाई 2 पाई का स्क्वायर, ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत लगेगी जिसमें कि मेरे को आलस आता है, तुम लोगों को वैसे नहीं आना चाहिए आलस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ओके क्लियर है ये सभी को, एब्सोल्युटली क्लियर, कोई डिस्कशन पॉइंट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से इरोडो में बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे बेसिक से लिखते चले जाओ इक्वेशन, एलिमिनेट करते चले जाओ वेरिएबल, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन है। तो मैं तुम लोगों को एक शीट दूंगा अभी, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक शीट दूंगा, उसमें क्वेश्चन 1 to 16 जो पहले दो पेजेस हैं वो तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वहां पे देख के मजा आएगा। तुम लोगों का मैकेनिकल सिस्टम दे रखे होंगे, पुलियां होंगी, ब्लॉक्स होंगे, डैम्पर्स होंगे, तो देख के मजा आएगा। उसके बाद में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें तुम लोगों को रेजिस्टेंस फील होगा, ठीक है, डैम्पिंग फील होगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसमें काफी जगह पे तुम्हें बेसिक फॉर्मूले को ही मैनिपुलेट कर करके तुम्हें वेरिएबल, तो लेकिन ठीक है टाइम लगेगा तो वो भी हम लोग करेंगे, बट फर्स्ट टू पेजेस तो हम लोग करेंगे शीट के अपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें फर्दर डिस्कशन तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ अच्छा, इसमें एक पार्ट और था हम लोगों का, दूसरा पार्ट क्या था कि नॉन ऑसिलेटरी सॉल्यूशन के लिए डैम्पिंग को किस फैक्टर से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं डैम्पिंग को एन फैक्टर से इंक्रीज कर दिया, तो मुझे पता है क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस एन टाइम्स बीटा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, राइट। क्योंकि जब ये जीरो होगा तो फिर डिफाइंड नहीं होगी फ्रीक्वेंसी 2 पाई, समझ गए कि नहीं, फ्रीक्वेंसी इनफैक्ट जीरो का मतलब क्या है, नॉन ऑसिलेटरी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, क्रिटिकल डैम्पिंग। तो इससे क्या आ जाएगा मेरा, एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय बीटा नॉट आ जाएगा क्या, अंडर रूट आएगा क्या इसका, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय बीटा नॉट आ गया, ठीक है। और बीटा नॉट क्या है मेरा, लैम्डा नॉट ओमेगा नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन 1 से मेरा आ रहा है। अगर एलिमिनेट करोगे इक्वेशन 1 में, वही है वेरिएबल एलिमिनेशन, तो बीटा नॉट कितना है, देखो यहाँ से इसी को रीअरेंज करोगे तो बीटा नॉट निकल आएगा कि नहीं, ठीक है। तो बीटा नॉट की वैल्यू जो आती है लैम्डा के टर्म्स में ये आ जाती है, तो बस उठा के पुट कर दो। तो इनफैक्ट बीटा नॉट बाय ओमेगा नॉट करना है तुम्हें, तो बीटा नॉट इस ओमेगा नॉट को उठा के यहाँ पे ले जाओ, तो बचेगा क्या तुम्हारा, वो एन की जो भी वैल्यू आई है ये अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 पाई बाय लैम्डा नॉट स्क्वायर, बस अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, ठीक है, क्लियर है, सबको आया समझ में ये क्वेश्चन, एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले आइडिया पे चलते हैं, कूलम डैम्पिंग। तो कूलम डैम्पिंग क्या होती है, अभी तक हम लोग विस्कस डैम्पिंग देख रहे थे जहां पे वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हमारा डैम्पिंग फोर्स लग रहा था, ठीक है। लेकिन हम चाहें तो डैम्प मोशन तो ड्राई फ्रिक्शन के साथ भी कर ही सकते हैं, जैसे रफ टेबल है उसके ऊपर एक ब्लॉक को मैं खींच के छोड़ दूं तो क्या करे, कर 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 करके फिर कहीं पे स्टेप स्टॉप हो जाएगा, इज इट नॉट। तो उस केस में हम लोगों का मोशन कैसा होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कूलम डैम्पिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कूलम डैम्पिंग में देखो इक्वेशन क्या बनेगी हम लोगों की, विस्कस डैम्पिंग जगह कूलम डैम्पिंग हो रही है तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये मान लो राइटवर्ड इसकी वेलोसिटी है, अच्छा फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो पीरियोडिकली रिवर्स होती रहेगी इसमें, इज इट नॉट। तो राइटवर्ड साइकिल के लिए अलग डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और लेफ्टवर्ड साइकिल के लिए अलग डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, राइट। तो जब ये राइटवर्ड जा रहा है तो फ्रिक्शन मेरा लेफ्टवर्ड लगेगा और कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन होगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, माइनस के एक्स माइनस म्यू एन इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर
अगर एक्स डॉट मेरा ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी अगर देखो तो है तो एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन ना, ठीक है। तो हाफ साइकिल के लिए अलग डिफरेंशियल इक्वेशन है और अदर हाफ के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा इसी को रीअरेंज किया तो क्या आएगा, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस म्यू एन इक्वल टू जीरो। तो म्यू एन तो एक कॉन्स्टेंट ही हमारा, इज इट नॉट। तो कॉन्स्टेंट से क्या होता है, मीन पोजिशन शिफ्ट होती है, टाइम पीरियड पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मतलब इस एक्सट्रीम से उस एक्सट्रीम तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगेगा वो अभी भी वही लगेगा, क्या टू पाई रूट एम बाई के, इज इट नॉट। एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम टाइम तो वही का वही रहेगा, हाँ, लेकिन मीन पोजिशन क्या है, यहाँ पे प्लस म्यू एन आया, ऐसे ही वापसी का जब मोशन होगा तो उसमें माइनस म्यू एन आ जाएगा, क्यों, फ्रिक्शन रिवर्स हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं, फ्रिक्शन का रिवर्सल हो जाएगा। तो रिटर्निंग हाफ साइकिल के अंदर अलग डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉरवर्ड हाफ साइकिल में अलग डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी बात तो समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक सॉल्यूशन ही होगा, इसका मतलब ओवरऑल टाइम पीरियड तो लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट एक्सट्रीम दोनों का टाइम पीरियड सेम ही होने वाला है, इज इट नॉट। क्योंकि म्यू एन तो क्या करता है, सिर्फ मीन पोजीशन को शिफ्ट करता है ना, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम टाइम तो वही का वही रहेगा, इज इट नॉट। एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम का टाइम तो वही रहेगा, राइट। तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड ओवरऑल क्या आ जाएगा, टू पाई रूट एम बाई के जैसे नॉर्मली होता है, टाइम पीरियड इसका वही रहेगा, लेकिन ये एम्पलीट्यूड धीमे धीमे घटते रहेगा, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, आई मीन वापस वो टू पाई रूट एम बाई के होगा। और अगर एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम देख रहे हो खाली दूसरी तरफ का, तो फिर पाई रूट एम बाई के हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि एम्पलीट्यूड कितना घटेगा, हम लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है कि एम्पलीट्यूड रिड्यूस कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। तो देखो क्या है, हमने क्या बोला, मान लो ब्लॉक को एक्स नॉट डिस्टेंस पे रिलीज किया, इस ब्लॉक को यहां से एक्स नॉट पीछे खींच के नेचुरल लेंथ पोजीशन से मैंने छोड़ दिया। तो अभी एनर्जी का, और मान लेते हैं उस तरफ जब जाता है तो ये एक्स वन तक जाता है, तो अभी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, राइट। और फ्रिक्शन का वर्क इसमें से माइनस कर देंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, इज इट नॉट, दूसरे एक्सट्रीम जितना लॉस हो गया एनर्जी का। तो इसमें से फ्रिक्शन की एनर्जी लॉस माइनस कर दी, और फ्रिक्शन कितने डिस्टेंस तक लग रहा है, एक्स नॉट प्लस एक्स वन डिस्टेंस तक लग रहा है, राइट। तो म्यू म्यू एन इंटू एक्स वन प्लस एक्स नॉट, मैंने जान के एन को एम जी नहीं रखा है, क्योंकि ये हो सकता है इस ब्लॉक के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर भी कुछ डाल रहा हूँ किसी तरह से, तो इन जनरल एन के टर्म्स में हम लोग बात कर सकते हैं, इज इट नॉट, विच मे बी इक्वल टू एम जी विच मे नॉट बी इक्वल टू एम जी। तो म्यू एन के को एन के टर्म्स में मैंने छोड़ा हुआ है, ओके। तो माइनस म्यू एन इंटू एक्स वन प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू वहां पे क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स वन स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लो तो ये एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर बनेगा लेफ्ट साइड में, है ना, हाफ के। और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, म्यू एन इंटू एक्स वन प्लस एक्स नॉट। तो अच्छी बात क्या है, यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से फैक्टराइज करके एक्स नॉट प्लस एक्स वन का फैक्टर दोनों तरफ कैंसिल कर दूंगा, राइट। और बचेगा क्या मेरे पास, एक्स नॉट माइनस एक्स वन मेरा क्या आ जाएगा, टू म्यू एन बाई के आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, लेफ्ट साइड पे जितना एम्पलीट्यूड था राइट साइड पे पहुंच के उससे कितना कम हो जाएगा, टू म्यू एन बाई के। अब जैसे x0 से x1 कम हो गया, ऐसे ही x1 से x2 कम हो जाएगा, इसी तरह से। बात समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि सिमिलर बात ही है ना, राइट में x1 एक्सट्रीम से छोड़ा तो अभी इधर x2 जा रहा है, तो x2 क्या हो जाएगा, x1 माइनस टू म्यू एन बाई के हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का, ठीक है। तो क्या लिखा, दस वी कैन सी दैट एम्पलीट्यूड हैज डिक्रीज बाय टू म्यू एन बाई के इन वन हाफ साइकिल, सिमिलरली x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस टू म्यू एन बाई के हो जाएगा व्हेन ब्लॉक रिटर्न्स टू द लेफ्ट एक्सट्रीम। एंड दिस पैटर्न कंटिन्यूज अंटिल, ये कब तक चलेगी पैटर्न, ये ध्यान से देखो, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा हो गया तो फिर वापस नहीं आ पाएगा, इज इट नॉट, अटक जाएगा वहीं पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है मेरा बड़ा हो गया स्प्रिंग फोर्सेस, यानी स्प्रिंग फोर्स मेरा छोटा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो फिर ये अटका रहेगा, फिर कहीं पे भी नहीं जाने वाला, इज इट नॉट। क्योंकि वापस लाने वाला फोर्स कौन सा, स्प्रिंग फोर्स ही तो वापस लाने वाला, और रोकने वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वहां पे, तो लिमिटिंग से छोटा ही हो गया तो फिर तो ब्लॉक जा ही नहीं पाएगा ना कहीं पे। तो इतना पक्का है कि ये ब्लॉक जब भी रेस्ट पे आएगा तो इंटीजर नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स ही करेगा, इज इट नॉट, पार्शियल हाफ साइकिल नहीं हो सकती है। क्योंकि एक्सट्रीम पे अगर एक बार पहुंच गया तो उसके बाद दो ही कैसे हो सकते हैं, उस एक्सट्रीम पे या तो स्प्रिंग फोर्स बड़ा है लिमिटिंग से या छोटा है, अगर बड़ा है तो वापस जरूर आएगा, दूसरे एक्सट्रीम पे जरूर जाएगा, ठीक है, और अगर छोटा है तो वहीं एक्सट्रीम पे अटका रहेगा। समझ में आई बात की नहीं, तो इट विल अंडरगो ओनली इंटीजर नंबर ऑफ हाफ साइकिल, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, ये पैटर्न कंटिन्यू हो रही है, और स्टॉप कब होगा, जब के टाइम्स एक्स एन जो है म्यू एन से छोटा हो जाएगा, समझ गए, स्प्रिंग फोर्स को मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा कर दिया, तो इससे मेरे पास क्या आ गया, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वैल्यू के एक्स नॉट अपॉन टू म्यू एन माइनस वन, ठीक है। लेकिन एन मेरा इंटीजर ही हो सकता है, तो क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बना दो। मान लो फॉर एग्जांपल एन तुम्हारा 7.3 आ रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में सेवन हाफ पीरियड्स होंगे, समझ गए कि नहीं, सेवन हाफ साइकिल। एन 7.9 आ रहा है तो भी सेवन हाफ साइकिल्स होंगे, एट आ रहा है तो फिर एक्जैक्टली एट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 8.1 आ रहा है तो भी एट होंगे, समझ गए,
तो अब इसमें ग्राफ हमारा कैसा बनता है, तो ये ऑसिलेशन का ग्राफ दिखाया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो वही चीज जो अभी हमने सारा डिस्कस किया उसी को ग्राफिकली एक स्नैपशॉट में देख सकते हो। स्टार्ट हुआ एक्स नॉट से, ठीक है, ऑसिलेट करते हैं दूसरे एक्सट्रीम पे, तो -X0 -2μn/k हुआ, ठीक है। अब फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है -X, तो -X0 -4μn/k हो गया, यानी एक कंप्लीट साइकिल में 4μn/k कम होते जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे -6μn/k होगा, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे -8μn/k होगा। अब यहाँ पे अगर ये म्यू स्टैटिक एन बाई के से छोटा हो गया तो फिर ये यहीं पे रेस्ट पे रहेगा, फिर उसके बाद इस एक्स पोजीशन चेंज होने वाली नहीं, ये वहीं पे रुका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिखाया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ये है हमारा। अच्छा, इसका हम चाहें तो स्लोप निकाल सकते हैं, ये सारी की सारी पीक्स तुम देख सकते हो क्योंकि टाइम पीरियड तो सेम ही है ना बार बार, ठीक है, और सेम अमाउंट से घटते भी जा रहा है। तो ये जो लाइन जिसको ये छू रहा है ये कॉन्स्टेंट स्लोप की लाइन ही है, मतलब इट इट विल बी अ लाइन, राइट, बार बार उस लाइन को छूते रहेगा, ठीक है। और इस लाइन पे कहीं पे हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की है, तो उस लिमिट उस उसके जैसे ही नीचे पहुंचा एक्सट्रीम पे वहीं उसी एक्सट्रीम पे रुक जाएगा, समझ गया कि नहीं। ग्राफिकली अगर हम समझना चाहें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से जैसे ही छोटा हुआ इसका रुकने का पोजीशन लिमिटिंग फ्रिक्शन पॉइंट से के एक्स की वैल्यू, वहीं पे ये रुक जाएगा, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा, हाँ अच्छा, रुकेगा जब तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में जीरो नहीं होगी क्योंकि वहां पे जहां पे रुका हुआ है वो एक्सट्रीम पोजीशन ही है, कोई ना कोई रुकेगा किसी ना किसी एक्सट्रीम पे, अनलेस, हाँ अनलेस डैम्पिंग ही जीरो कर दो, फिर तो ऐसे चेम ही हो जाएगा। डैम्पिंग अगर नॉन जीरो है, कूलम डैम्पिंग, तो जहां पे रुकेगा वहां पे कुछ ना कुछ स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर जरूर होगी, समझ गए कि नहीं। तो मेथड समझ में आया कैसे नंबर ऑफ ऑसिलेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो कूलम डैम्पिंग पे एक क्वेश्चन है, ये देख सकते हो तुम लोग, इसमें ये एरोडो का ही क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, देर इज अ बार ऑफ हाउ मच मास, बार का मास है 0.5 kg लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है हमें 0.1, ठीक है, और वॉल से जोड़ रखा है स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल नॉन डिफॉर्म स्प्रिंग, स्टिफनेस कॉन्स्टेंट दे रखा है के इज इक्वल टू 2.45। इरोडो अजीब से सिंबल्स यूज करता है, उसने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए के यूज किया हुआ था और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के लिए काई यूज किया हुआ था, तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो मैंने इसको म्यू ही कर दिया, ठीक है, और ये इसको के समझ लो, ठीक है, काई जो लिख रखते हैं, ओके। ये स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, मास नेग्लिजिबल है, द बार वाज डिस्प्लेस्ड सो दैट स्प्रिंग वाज स्ट्रेच्ड बाय 3 cm, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और उसके बाद छोड़ दिया, तो फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बार, एक ये पार्ट है और दूसरा पार्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन दैट द बार परफॉर्म अंटिल इट स्टॉप्स कंप्लीटली, ठीक है, तो खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ सो हेयर ऑल्सो आई हैव मेड सम राइटिंग मिस्टेक, यहाँ पे जे एफ ऑफ -1 नहीं होगा, ये -1 गलती से लिख दिया, तो इसको भी हटा देता हूँ, उसके बाद फिर अपने आप से कैलकुलेट करो, देखो उस फॉर्मूले से करेक्ट आएगा, हाँ करो वो, हाँ, यस, हाँ आई हैव मेड अ मिस्टेक इन दिस सॉल्यूशन, तो मैं इसको समझा भी देता हूँ ऑन रिकॉर्डिंग एक बार, सो लेट इट लेट मी करेक्ट दिस, सो दिस शुड बी 147/20, ये 147/20 होगा बेसिकली, तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला एप्लीकेशन ही है, जो हमने अभी डराइव किए हैं वो फॉर्मूले को हमने अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर तुम्हारे पास जी आई एफ ऑफ के एक्स नॉट बाई 2μn वैल्यू डाल दो बस, अब उसके बाद, ठीक है, समझ में आया ना ये सभी को, क्लियर है। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√m/k हो जाएगा, ठीक है, तो वो काई जैसा बना रखा है, ओके, वो -1 गलती से लग गया था मेरे से, तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया बाद में, ठीक है, ये अभी सही है, ये आएगा 7 ही आएगा ना, 147/20 जी आई एफ करोगे तो 7 ही आएगा, सही है, ठीक है, -1 करते तो सीलिंग फंक्शन लेना पड़ता है, हाँ ठीक है। तो ये हम लोगों का डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिस्कशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसके बाद फिर तुम लोगों को मैं कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा जो इरिडो से करने ट्राई करने वो ट्राई कर लेना, अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल आल्सो बी गिविंग यू शीट ऑन फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो उससे प्रॉब्लम्स ट्राई कर लेना, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सो आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर दिस।